हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा एक से कक्षा दो के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 4 जनवरी 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में दो वर्कशीट दी गई हैं, कार्यपत्रक 37 और कार्यपत्रक 38। दोनों ही कार्यपत्रक के हम यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कार्यपत्रक 37 में, पेंसिल घुमाइए और शब्दों को पूरा करिए। तो यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 काउंट्स दे रखे हैं, देन क्या दे रखा है, अंक के 2 1 दे रखे हैं, अंक और के, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों वर्णों से जो अंग जो बनते हैं शब्द, उन्हें देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अंक। तो यहाँ अंक की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो जैसे इसके ऊपर आपको इस तरह से पेंसिल घुमा करके इसको पूरा करना है, ठीक है। किस तरह से लिखा जाता है अंक, यूं ऐसे, और बिंदी लगा देनी है, ए बना करके उस पर बिंदी लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड बनेगा अंग, अंग आपको कंप्लीट करते हुए जाना है, ये अंग, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड बनेगा अंगूर, ये क्या है, अंगूर। नेक्स्ट वर्ड है अंदर, तो इस तरह से आपको वर्ड बनाने देने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में है कार्यपत्र 38 में, पेंसिल घुमाइए और शब्द को पूरा कीजिए। तो यहाँ शब्दों को पूरा करना है, तो यहाँ क्या दे रखा है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ये जो चिन्ह है इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। जैसे आ है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु, आ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। आ और खे दे रखा है, तो यहाँ दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, आँख। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसे पूरा करना है। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपको इसी के ऊपर करना है इसे, ठीक है। इसी तरह से बन जाएगा आँख, इसी तरह से चंद्रबिंदु का बन जाएगा ऊँट। तो यहाँ इस तरह से चंद्रबिंदु लगा देना है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड बनेंगे चांद, तो यहाँ ये चंद्रबिंदु। इसी तरह से नेक्स्ट है आंवला, तो यहाँ ये आंवला, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रबिंदु युक्त शब्दों का उच्चारण करवाकर आपको क्या करना है, अनुनासिक ध्वनि की पहचान करनी है इस वर्कशीट में। तो अनुनासिक ध्वनि हमने देखा किस तरह से निकलती है, आँख, ऊँट, चांद, आंवला, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुनासिक चिन्ह कहलाता है चंद्रबिंदु, जो कि किसी भी वर्ड के ऊपर लग सकता है जब भी आँ की आवाज़ निकले तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ही वर्कशीट के सॉल्यूशन देखे, जिसमें हमने एक देखा बिंदु और एक देखा चंद्रबिंदु, ठीक है, जो वर्ण के ऊपर लगते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी दोनों वर्कशीट। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।